सुंड बाजार नारंडी बाजार है, सुंड बाजार नारंडी बाजार है। परेशानी है जी, फिर महीना 20 दिन भागती रहे और आपके तो कोई बात ही ना रोके। न्यारू गई फिर भगी आई ना, कब गई थी? धूप पर लो, तो जब से आई नहीं है, मम्मी की याद आ रही है। नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है नुह विधानसभा क्षेत्र के गांव कैराका में। दोस्तों यहां से बड़ी ही सनसनी, दिल दहलाने वाली एक दुखद खबर प्रकाश में आ रही है। इस घर में जो स्क्रीन पर आपको ये घर दिख रहा है, इसी घर से कल एक जो महिला है, 6 बच्चों की माँ है, पहले वो मंगल बाजार जाती हैं। हम लगातार इस बात को कहता है कि जो ये मंगल बाजार गांव-गांव में लग रहा है, ये मंगल बाजार नहीं है, असलियत में ये एक दूसरा बाजार है। ठीक है, आखिरकार कई ऐसी वारदातें इस मंगल बाजार से निकल कर के सामने जिनके घर बिगड़ चुके हैं, ऐसा ही एक मामला कैराका गांव से प्रकाश में आया है। ये एक गरीब पीड़ित परिवार का सामने मकान है। इस घर की एक महिला है जिसे उनका जो पति था वो मंगल बाजार जाने से अक्सर रोकने की कोशिश करता था, लेकिन वो नहीं मानती थी। कल सुबह वो यहाँ से चारा लेने के लिए जंगल जाती है किसी पड़ोसी महिला के साथ में। आखिरकार ये होता है कि वो शाम तक घर नहीं लौटती है और अभी तक 48 घंटे बीत चुके हैं लेकिन वो महिला अपने घर वापस नहीं लौटी है। 6 बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है, उसका जो पति है वो खुद भी उसके लिए बेइंतहा रो रहा है। तो ऐसे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे, ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे, आखिर इस परिवार का चरित्र कैसा है और मामला आखिर था क्या पूरा। क्या चाहती हो आप? मम्मी आपकी आ जाए घर पे, आई नहीं अभी। क्या कोई झगड़ा था क्या घर में? किसने भागी? तुम्हारे पापा ने भगाई थी वो? आप भागी? अच्छा। बेटी क्यों रो रही हो? देखिए मासूम मासूम बच्चे, इनका तरस भी आ रहा, बहुत डिप्रेशन में है बेचारे। देखिए एक बार कैमरा मैन करके जूम करके ये देखिए, बच्चा रो रो कर इतना बुरा हाल है, बहुत ज्यादा इन बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। अम्मू जी क्या परेशानी बताइए? परेशानी है जी, फिर महीना 20 दिन भागती रहे और आपके तो कोई बात ही ना रोके। ना ये किलो कटा है वाक पी औस धरे, उन्हें तो औस लेगी पल्लम बांध के और हंसली मैंने गले में पहरा रहा भाई मारे तो, और के औलाद के मारे जोड़ रो 13-14 साल से वही जुड़े। मेरे पे इतना मेरे पे खर्चा लुबे सुनो आगे करदार कर करके कर, कुछ दूध यहाँ पस लिए, कुछ मजदूरी कर कर कभी कर, कर बच भी रहो कर्ज मेरे पे। वहाँ को कारण क्या है जो घर से मतलब चली गई? कुछ अब वहाँ खुद मैं कैसे बताऊँ जी, आप दुख तकलीफ कुछ है? एक लिना मेरे कोई माँ है ना कोई मेरे बहन है, एक लिराज है ये बाड़ा के, इनसे बिना बने बाड़ा के इनसे भी आके इनके पीछे भी किच 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 मेरे पीछे वैसे ही लगी रहे। आप क्या मानते हो उसको किसी ने किडनैप किया है, उसका अपहरण हुआ है, या किसी ने उनको मार दिया है, या वो खुद भागी है? मैं यार मेरा तो यह जी, या तो कोई गांव को है जी वहाँ में, और ना तो कई रिश्तेदारी में है। मैं मेरे बाड़क भी रो रहे, मैं सर रात रोया हूँ, औरत बन जब भी छोड़ रहा को ना मैं वहाँ मारू, मेरे पड़ोसी भी बता देंगे, पड़ोसी इन सब खूब से चोट ले लियो, लेकिन अपने बाड़क आ जावे। क्या काम करते हो? मैं चिड़ाई काम करूँगी। देखिये दोस्तों, ये एक बहुत ही गरीब इंसान है, मिस्त्री है, चिनाई करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। इस घर में वो एक तरह से जो भी कुछ ये कमाता है उसी के लिए देता है, भैंस भी है घर में, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये इनको शक है कि वो शायद किसी के साथ जा सकती है, कोई गांव का हो सकता है या फिर कोई अदर हो सकता है। तो वो अपील कर रहे हैं कि किसी रिश्तेदारी में हो या फिर जहाँ पर भी हो, मैं भी समस्त मेवात के लोगों से अपील करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आपको उस औरत का मैं एक फ़ोटो भी दर्शाऊँगा ताकि उन्हें पहचान करके इन बच्चों का तरस खाई, क्योंकि ये कोई ऐसा परिवार नहीं है, गरीब ज़रूर है लेकिन इज्जतदार है, पूरा गाँव यहाँ पर खड़ा है। इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा, बहुत शरीफ इंसान है। और मैं एक बार ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से गांव-गांव में ये मंगल बाजार जुड़ता है, इसमें अपनी बहन बेटियों को जाने से रोकने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे दर्जन भर ऐसे कांड आ चुके हैं अब थोड़ी, जिनमें लड़कियां भाग गई है। ये मंगल बाजार नहीं है असलियत में, कुछ और बाजार में, नाम नहीं देना चाहता इसको। लेकिन तो क्या मैसेज देना चाहते हो आप जनता को? सर मैं यही कह रहा हूँ जी, अब जाके कोई नजर में आवे मेरा नंबर ले ले, मैं बता दे, मैं कोई करके ना जात, मैं खुद ले आऊंगा मोटरसाइकिल बिठा के। कहीं ऐसा तो नहीं आप उसको छोड़ नहीं चाहते हो? ना जी, मेरे छोटे जान नसीमन ना छोड़ी, मेरे छह बालक होगी, मेरी छोरी सियाणी हो रही जी, अब कहाँ छोड़ूंगा मैं वो,
मेरी जब उम्र ऐसे चली गई रोते रोते इतना तो और काट लूंगा अपनी उम्र, लेकिन बाढ़ के संभाल लिया अपने। घर में कोई लड़ाई झगड़ा था? कुछ भी ना रहे जी, लड़ाई झगड़े बस आप ही कुटांट लगी रहे जी, किचकिची वहाँ क्या देता है ऐसे लगने की बाढ़ के सु बदतमीज बोलने सु मोसु बदतमीज बोलने सु मैं तो नीचे देख रह रहा हूँ जी, साढ़े फिर मारने की धमकी देवा अगर मैं ज्यादा वो करूँ तो। हमने की मंगल बाजार जाने से आपने उसको रोका था? रोको जी उन कड़ेस रो पिट्टी मचा दी मैं, वाले फिर मना के वाले 500 रुपया और डेरी पे सु बिरयानी बटे छोरा पी आप मंगाई बिरयानी बटे छोरा ही रहो बिरयान ला के वेल्डिंग मिस्त्री हो वेल्ड कर रो इन वन कुंदी उन्दी भी ढूंढवाई है वन, और जब मैं वाल 500 रुपये देर गया हूँ तो ना मांडित बटे छोरा ले जाओ और चले जाओ। तो किसी डाउट है जी गांव का आदमी मेरो डाउट है जी, लेकिन मैं कई का रूप ना लगा रहा, मैंने यहाँ कह रहा हूँ हाथ जोड़ के भाई कई नजर में होवे और कई रिश्तेदारी में होवे, मैं वाके भी अलहन ना लगा रहा तू लोग करती डोल रही हो रिश्तेदारी में चलू डर के मारे निकल गई या गुस्से नशे में कैसे निकल गई आ जावे थाना में ना दीजिए मैंने अभी तक तो कल की बात है अभी तो मैंने अपन से ही बात करी। हाँ जी जो हमारी बीवी गायब है घर से। ठीक है जी चलिए अपन कह रहा हूँ बाजार नारंडी बाजार है जी, समझा रहा था उसको बस। हाँ तो उसको अच्छा नहीं लगा समझाना है, फिर लड़ रही है हमसे। हमसे क्या की उसने? हम पता कुछ भी मेरे बाप से लड़ रही। तेरे पापा तो लड़के चलोगे ना समझा कर, फिर बाद में तुमसे कुछ कहा उसने? तो फिर मेरे बाप ने कह रहा यार चली जा मैं 500 रुपये दे जा रहा हूँ। नुकनी कहा के मैं बिरयानी लिया जब खा के जब गई घर खूब गई। देखिये दोस्तों वो मंगल बाजार जाने की जिद पर अड़ी हुई थी और उनके हस्बैंड ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो जिद पर अड़ियल थी तो इन्होंने बेचारे ने 500 रुपये उसको फिर भी दे दिए थे कि चल कोई नहीं आप चले जाना जो कुछ लाना है आपको, मगर जंगल के लिए चली जाना चारे के लिए। लेकिन वो चारा लेने जाती है कहीं पर दरांत वगैरह पल्लड़ वगैरह सब फेंक करके वो वहाँ से ही रफू चक्कर हो जाते हैं, अभी तक नहीं आई है। और ऐसी औरत के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं जिसके 6 बच्चे मासूम यहाँ पर तड़फ तड़फ के उसके लिए चीख चीख कर रो रहे हैं, खुद पति रो रहा है और वो अभी तक इनके घर वापस नहीं लौटी है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इस वीडियो को देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कहीं पर भी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारी में वो महिला दिखे तो इस पीड़ित परिवार के मैं नंबर डालूंगा उन पर कॉल करके इनको सूचना जरूर दें। और जिला प्रशासन से मैं अपील करना चाहता हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए जो किसी की बहन बेटी को इस तरीके से बहला फुसला करके ले जाते हैं और किसी की जिंदगी को और किसी के अच्छे घर को बर्बाद कर देते हैं। तो मैं पड़ोसियों से जानने की कोशिश करूंगा, क्या नाम आपका? आप पड़ोसी हैं? किस तरीके का आदमी है? बढ़िया आदमी है, मतलब नेचर कैसा है इसका? नवाजी परेजे आदमी, धीरे धीरे निकल जावे है और शाम को आवे है। अच्छा आदमी। हाँ रात में जब ये सानी करे मैंने बैठ जो पचपच के मर जाएगा या सांड छोड़ी रखेगो तो जी, अब काम की ना करवा फिर भी ऐसे ही। हाँ हाँ कालक परसों रूसगी डंडा पे गोदे में उठा के मना रो वहा बालक बता रहे मुख। ये मामला हुआ जी, इसकी तो इस पे कोई कमी नहीं है जी। जी तो अब सबके सामने आ रही है जो उसकी कमी है जी। जी यही कह रहे हैं वो औरत की कमी है, इसकी कोई कमी ना है। ठीक है। हाँ जो भी हो एक सेवा करो जी, जो भी एक मेहरबानी लाग दो। गलत हुआ जो भी हुआ। हाँ जो भी गलत हुआ सर। गांव के आप भी कोशिश करो सारे। हाँ सारी कोशिश करेंगे, ये तो कई बार एक साथ अत्याचार हो चुके जी। और तेज बोल जोर बोल जा। मम्मी सुन रही है इस वीडियो देखेगी? हूँ बता वो जरूर देखेगी इस वीडियो को। क्या कहेगी अपनी मम्मी से? मन ना लग रहा उसके बगैर, परेशान हो मम्मी से प्यार करती हो आप? दोस्तों आपने देखा और सुना ये बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर कैरा का गांव से प्रकाश माइये, जहां एक गरीब व्यक्ति है और ये पीड़ित परिवार अब इसलिए बन चुका क्योंकि इनकी माँ इन छोटे छोटे 6 बच्चों को छोड़ करके चली गई है। अब वो अभी ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो किसी को लेकर के कहीं गई है या उन्होंने कोई दूसरी शादी की है या फिर वो किसी ने उसका अपहरण किया है या वो अपनी मर्जी से ही कहीं पर भाग करके चली गई है। किसी भी प्रकार से इनके बच्चों को इनकी बीवी के बारे में इनको सूचना दी जाए ताकि ये जो बच्चे उसके बगैर रह नहीं पाएंगे। और बच्चों के अलावा ये खुद पति भी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करता है, जैसे बड़े बुजुर्ग लोगों ने बताया कि काम भी घर का खुद करता है और कमा कर भी खुद लाता है। उसके बावजूद भी देखिए मंगल बाजार की ऐसी हवा लगी कि वो 6 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर ही यहाँ से चली गई है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताज़ा अपडेट, तब तक आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।